अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द डिम्स वर्ल्ड। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, जैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ बहुत नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है, जो कि इस कटोरी से 2 कटोरी है, और उतना ही मैंने चीनी यूज़ की है। ये जो चीनी है वो जो हम घर में यूज़ करते हैं वही है, उसे मैंने पीस लिया है मिक्सी में। और यहाँ पे हम घी यूज़ करेंगे, जितना बेसन है उससे थोड़ा सा कम इसमें हम घी यूज़ करेंगे। 2 कटोरी अगर इसका बेसन है तो इसमें 1.5 कटोरी या फिर 1.25 कटोरी हम घी में घी का यूज़ करेंगे। ये घी भी मैंने घर पे ही निकाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, आप कोई भी कढ़ाई यूज़ करें पर वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और हम इसे थोड़ा इजी वे से बनाएंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हम पहले ही बेसन को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि घी डालने के बाद अगर हम उसे रोस्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसे हम थोड़ा सा पहले ही रोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। इसे आप लो से मीडियम आंच पे ही सेकें, इसे हाई फ्लेम पे ना सेकें, वरना हमारा बेसन पूरा अच्छी तरह से सिकेगा नहीं। इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है बीच में बिल्कुल भी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट इसे आप छोड़े नहीं, कंटिन्यू इसे चलाते रहें। तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। मुझे इसे चलाते हुए कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए हैं। जितना हो सके आप उसको पहले ही रोस्ट कर लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करेंगे। इसमें आप एक साथ ही पूरा घी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। इसमें और डालना होगा हमें। आप देख सकते हैं थोड़ा इस तरीके से हो गया है। इसमें थोड़ा हमें घी इसी तरीके से रखना होगा, क्योंकि बाद में हम जब इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सूख जाएगा। थोड़ी देर में हम इसमें थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे, क्योंकि ये बेसन थोड़ा सा इसको सोक कर लेगा। इसे आप इस तरीके से कंटिन्यू घुमाएं। थोड़ा सा और घी ऐड करते हैं हम इसमें, ज्यादा नहीं। इसी घी में आप इसे थोड़ा सा सेकें, हल्का सा डार्क ब्राउन होने तक। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा बेसन है, हमने इसे घी में भी अच्छी तरह सेक लिया है, ये डार्क ब्राउन इन कलर हो गया है। इसे हम थोड़ा सा दरदरा करने के लिए, या तो आप सीधा मोटे बेसन का ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें थोड़ा सा इस तरीके से अगर पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़े से झाग बनने लग जाएंगे इस तरीके से। तो इससे क्या है, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें जब तक ये वापस घी ना छोड़ दे। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा ऑलमोस्ट पक गया है, इसने वापस घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम हमारे इसमें पाउडर्ड शुगर को ऐड करेंगे। तो आप इसे इसी तरीके से थोड़ा सा छोड़ दें, इसे हल्का ठंडा होने दें। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें हमारी ये पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे। ये आप एक साथ पूरी ऐड ना करें, जितनी रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से ही ऐड करें, जितना आपको मीठा पसंद है। एक साथ ऐड करने से ये इजीली ऐड नहीं हो पाती है।
अगर आपको लगता है ये थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया है तो आप थोड़ा सा गैस वापस ऑन करके इसको थोड़ा हल्का सा गर्म कर सकते हैं ताकि हमें लड्डू बांधने में इजी हो। तो आप देख सकते हैं हमने इसे पूरा अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा मेल्ट हो गया है तो नहीं है, आप इसको एक दो घंटे बाद देखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल टाइट लड्डू बन जाएंगे। आप इस तरीके से इसे गोल शेप में देके अपने पसंद के आकार के लड्डू बना लें, चाहे छोटे या बड़े, जैसा भी आपको पसंद हो। आप इसको गार्निश करने के लिए इस पे केसर, पिस्ता, बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम हमारे बाकी के लड्डू भी ऐसे रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे बाकी के बेसन के लड्डू बन के भी रेडी है। अगर किसी वजह से इसमें घी या चाशनी अगर थोड़ी सी ज़्यादा पिघल जाए तो आप इसे 15-20 मिनट फ्रिज में रख के फिर उसे निकाल के आराम से गोल शेप में आप इजीली बाइंड कर सकते हैं। ये आज रेसिपी हमने स्पेशली रक्षाबंधन के लिए बनाई है। इसे ब्रदर्स भी इजीली बना सकते हैं, सिस्टर्स भी अपने ब्रदर के लिए बना सकते हैं। हमने बहुत ही ईजी तरीके से इस रेसिपी को बनाया है। उसके बाद आप इसे पिस्ता या बादाम से गार्निश करें, आप इसे कोकोनट पाउडर या पाउडर शुगर से भी गार्निश कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।